हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंस्टेंट कंडेंस मिल्क 2 मिनट माइक्रोवेव में बनाना बता रही हूँ, जिसमें 2 मिनट लगेंगे और जो झटपट बन जाएगा। अब गर्मियों का मौसम है, हमें जरूरत पड़ती है आइसक्रीम वगैरह केक बनाना, जब बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो तब भी आप कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, तो मार्केट में काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसलिए घर में झटपट से बना लीजिए। मैं आपको जो मेथड बताऊंगी सिर्फ 2 मिनट में बनेगा, घर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली, तो जो जो चीज़ें चाहिए वो इस प्रकार है। देखिए, एक कप मैंने ये लिया है मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। एक में आधा कप मैंने लिया है ये पिसी चीनी, आधा कप लेके उसको मिक्सी में पीस लिया है। एक टेबलस्पून बटर लिया है जो मैंने थोड़ा सा पिघला लिया है। 1/4 चम्मच टीस्पून यानी ये मीठा सोडा है, और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये भी मार्केट में मिल जाता है आसानी से, और ये गुनगुना पानी है 3/4 कप। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, माइक्रोप्रूफ लेंगे, उसमें डालेंगे हम ये मिल्क पाउडर 1 कप। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, चीनी डाल देंगे 1/2 कप चीनी, और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून है हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर, और ये हमारे पास 1 टेबलस्पून ये बटर या घी भी डाल सकते हैं देसी वाला, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने पहले आपको खोया बनाना भी बताया था मैं माइक्रोवेव में, उसी प्रकार ये भी झटपट बन जाता है। ये हम गुनगुना पानी लेंगे, सारा एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 3/4 कप लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये गुठलियाँ ना पड़े इसमें। एक 2 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करते हुए। ये देखिए ऑलमोस्ट ये हमारा मिक्सचर बन गया है। अभी भी अगर आपको लगता है गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं इसमें। अब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि गुठली ना रहे, और थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी इसमें। मैंने मिक्सचर बना लिया, देखिए फिर मैं बता देती हूँ आपको। 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप हमने चीनी पीसी हुई ली, 1 टेबलस्पून बटर, और 1 टीस्पून हमने लिया कॉर्नफ्लोर, और 1/4 हमने लिया ये बेकिंग सोडा, और 3/4 कप हमने पानी डाला है। ये देखिए मिक्सचर बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइक्रोवेव में हाई पावर में 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे। माइक्रोवेव में रख दिया है मैं हाई पावर पे, इसको 2 मिनट के लिए रखूँगी माइक्रोवेव मोड पे, स्टार्ट कर देते हैं हम। 2 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। 2 मिनट होने को है, अब हम इसको देखते हैं कैसे बनाए। बस अब मैं बंद करती हूँ। ये देखिए हमारा ये उबल के बन के तैयार हो गया। अब ये बहुत गर्म है, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना गाढ़ा ये हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो अभी हम इसको 10-15 मिनट ठंडा करते। देखिए हमारा ये ठंडा हो गया और क्वान्टिटी में भी कम हो गया। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हमने मीठा सोडा डाला है, जब हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये एक बार उबलेगा जरूर, जो नीचे भी गिर सकता है, तो आप बड़ा बाउल भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो सॉस पैन में डाल के इसको गैस में भी लगातार हिलाते हुए चलाएं, नहीं तो ये जल जाता है बहुत जल्दी। वैसे माइक्रोवेव में बहुत इजी होता है, जलने का डर नहीं रहता, और मीठा सोडा डालने से ये उबाल इसमें बहुत आता है। ये देखिए गाढ़ा भी हो गया। अब हम इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे, और आप किसी भी चीज़ में आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, वो केक वगैरह में मिठाई वगैरह बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क 2 मिनट में बनकर तैयार है, घर में सब चीज़ें मिल जाती हैं,
आप बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।